हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। सो माय नेम इज सुमित बंसल, आई एम वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ स्मार्ट ड्यूटी स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो यार चैनल में आने से पहले ना मैं टोटली आपको अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। आप लोगों की तरह यार मैं भी एक सिंपल सी बात है, एक जॉब छोड़ना चाहता था और ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहता था। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें जो है टेक्निकल्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह, लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स, सारा कुछ जो है स्टडी किया। और ऐसा भी बात नहीं है, बहुत हेल्प मिली, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ। बट ये चीज़ें तब तक हो रही थी जब तक मैं अर्निंग कर रहा था जॉब में, और साथ में जो है ना, ठीक है, मैं ट्रेडिंग कर रहा था। क्योंकि उस टाइम ना मेरे को एक पर्टिकुलर लेवल पे कोई मेंटल प्रेशर नहीं था। मेरे को था कि ठीक है यार, मतलब 50-60 हज़ार रुपया जो भी जॉब में आ गया, ठीक है, मेरे को चल जाएगा। और अगर 2-4 हज़ार रुपया लॉस हो गया ट्रेडिंग में तब भी चल जाएगा, और अगर कभी 10-15 हज़ार रुपये कमा लिया तब भी चल जाएगा। लेकिन ये चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई जब एक्चुअल में जो है ना, मैंने एक्चुअल में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया, बिल्कुल जॉब छोड़ी नहीं, जॉब से 3-4 महीने का जो है एक तरह से अनपेड लीव ले ली। तो उसमें क्या हुआ, अनपेड लीव में अब मैं जब ट्रेडिंग कर रहा था तो मेरे जो एक्चुअल में जो सेटअप से ना, वो सारे के सारे ख़राब होने लगे। जिन सेटअप्स को यूज़ करके मैं आराम से पैसा कमा रहा था, तो पता लगा कि भाई साहब वो भी जो है जा रहे हैं, वहाँ पर भी लॉसेज हो रहे हैं। और मैंने कहा यार, बंदा तो मैं सेम ही हूँ, कोई चेंजेस तो है नहीं है, बंदा भी सेम हूँ, सेटअप भी सेम यूज़ कर रहा है, तो कहाँ पे चेंजेस आए। और पता है सर चेंजेस कहाँ पे आए, तो चेंजेस आए एक्चुअल में मेरे जो है मेंटल प्रेशर में। जो एक प्रेशर मैं महसूस कर रहा था ना, ठीक है, तो भाई साहब वो एक अलग लेवल का जो प्रेशर था। क्योंकि अब मेरे को जो है प्रेशर सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं था, अब मेरे को जो प्रेशर है वो दो थे। एक जो था वो तो था कि भाई एक अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस चलाने हैं, सेकेंडली था कि जिस चीज़ के लिए जो जॉब छोड़ना चाहता हूँ उसमें से भी कुछ आएगा। तो इससे होने लगी मेरी ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग से ना, ऐसा ये कोई पहली बार टर्म नहीं है कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी बहुत बार ये जो है ट्रेडिंग में टर्म यूज़ की होगी। अब बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तो मैं एक्चुअल में स्ट्रेटजी बताता हूँ कि किन किन स्ट्रेटजीज ने मेरी एक्चुअल में हेल्प की, एक्चुअल में मेरे को जॉब छोड़ने के लिए। अब उसमें जो जिस स्ट्रेटजी ने मेरी पहली हेल्प की ना, तो वो थी कवर्ड कॉल्स एंड स्ट्रैंगल्स। अब मैंने क्या किया, मैंने एक दोनों स्ट्रेटजी, उस टाइम आपको बता दूं कि जो बैंक निफ्टी का लॉट होता था ना, वो होता था अप्रॉक्सीमेटली 20 का। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कवर्ड कॉल जो है वो बनानी शुरू कर दी। तो कवर्ड कॉल मेरी नियर अबाउट है बैंक 20 के साथ, जो मेरी कवर्ड कॉल है वो बन रही थी 7 लाख रुपये की, और उसमें से जो मेरे को रिटर्न जो आ सकती थी वो आ सकती थी 15,000 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 25,000 के राउंड, डिपेंड अपॉन कि आपका मार्केट कहाँ जाता है और मंथ कैसा है। लेकिन मेरे को इतना तो श्योर था ना कि 15 से लेके 25 के बीच में आने के जो चांसेस हैं वो 90% से भी ज़्यादा हैं कि वो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। अब मैंने सोचा कि यार 15 से 25 तो मेरे को आना ही है। अब इसका जो हाफ कैपिटल थी ना, इसकी जो हाफ कैपिटल थी यानी कि 10,000 के राउंड मैं यहाँ पे रख रहा था अपना रिस्क, कि 10,000 जो है रिस्क लेके चला। और यहाँ पे मैंने मानी शुरू कर दी स्ट्रैंगल्स। अब मैंने अभी पूरा यूट्यूब सर्च किया है, एंड यूट्यूब पे भाई साहब मैं सही बताऊँ, आयरन फ्लाई और बटरफ्लाई की तो बाहर आई हुई है। हर बंदा कह रहा है कि 10-10% रिटर्न महीने की, 20-20% रिटर्न, ऐसी मतलब लगातार आ रही है, ठीक है। तो बुरी बात नहीं आ रही है, पहली बात तो ये अवेयरनेस है, और फ्री में इतना अच्छा मटेरियल मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उस टाइम तो ये यूट्यूब वगैरह ये सब चीज़ नई नई थी, तो हमें जो सारा मटेरियल है वो पेड मिलता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में ये भी है भाई कि लोग जो है अपने बाइंग में प्रॉफिट दिखा रहे हैं, ठीक है, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ पे, और कुछ लोगों के सही है भी हैं, ठीक है। मतलब कई ऐसे हमारे पास जो है चैनल वगैरह हैं जिसको मैं एक्चुअल में भाई दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, जैसे आई थिंक घनश्याम सर जी हैं, ठीक है, शुभाशीष जी हैं, पावर ऑफ स्टॉक्स आप सब जानते होंगे। तो वो तो भाई लेख के लगता है कि भाई एक्चुअल में कमाते होंगे, लेकिन बिल्कुल सही कमाते हैं यार। लेकिन यार उनकी जो मेहनत है ना, और जो उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल है, वो भाई एक तरह से अलग ही लेवल है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनके जितना इंटेलिजेंट हूँ वो हूँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं अपनी कैपिटल पे 5% से लेके 10% तक कंसिस्टेंटली निकाल लेता हूँ, और इससे अपनी फैमिली को ना एक अच्छी लाइफ में दे पा रहा हूँ। जो मैंने कभी सोचा था कि यार जॉब छोड़ कर मैं एक्चुअल में बनूंगा, तो काफ़ी हद तक उस स्टेज तक पहुँच गया हूँ।
बाकी यार एक शेयर मार्केट ऐसी चीज़ है जो लर्निंग है ना यहाँ पे हमेशा कंटिन्यू रहती है, और जब तक जो है ना आपका जो है भाई सांस चल रही है तो ये जो चीज़ है भाई कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो हम यहाँ पे चैनल पे सारी की सारी स्ट्रेटजीज मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे जो है रियल लाइफ में अगर आपको जॉब छोड़नी है तब भी, अगर आपको जॉब नहीं छोड़नी साइड बिजनेस में जोड़ना है तब भी, किस तरीके से ट्रेडिंग की जाए ताकि आप अपना जो है एक ब्रेड एंड बटर और एक लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए कुछ पैसा कमाना शुरू कर दो। जब आपके पास एक बार पैसा आना शुरू हो गया ना, तो मान लो एक बार आप इस लेवल पे पहुंच गए कि जहाँ पे आपने 1 लाख रुपया महीना भी कमाना शुरू कर दिया, भाई साहब उस 1 लाख रुपये का ना 20% अलग से निकाल लेना, और 20% से चाहे आप बाइंग स्ट्रेटजी करना, चाहे आप कोई और स्ट्रेटजी करना, चाहे अलग से रिस्क लेना, कुछ भी करना, लेकिन आप देखोगे कि उसमें आपका मेंटल प्रेशर कितना कम होगा। ठीक है, तो यार बने रहिए, मैं एक एक वीडियो लेके आऊँगा और अपनी तरफ से जो है एक एक चीज़ समझाऊँगा। तो आप लोगों की तरह ही हूँ यार, बहुत जो है जाके एडिटिंग नॉलेज वगैरह यूट्यूब की नॉलेज नहीं है, बट एक्चुअल में बताऊँ कंटेंट की नॉलेज है। ठीक है, कंटेंट जो होगा वो आपको पसंद आएगा, बाकी जिस तरीके के भी सजेशन होंगे आपके जो भी चीज़ें होंगी मेरे को कमेंट्स में बताइए, मैं उस तरीके की वीडियो बनाऊँगा। थैंक्स यार, हमारे साथ बने रहिए, आगे वाली वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक्स लॉट गाइस।